हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हियर वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। होप यू आर डन वेल। इन आवर दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स वो होती हैं जिनमें मेटालिक क्लस्टर होता है, जो मेलियबल होती हैं, जो डक्टाइल हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने उसकी डिस्कस करी है। बट व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट केमिकली विद अदर कंपाउंड, क्या उसके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क पड़ता है या कौन कौन से उसमें चेंजेस होते हैं जब वो इंटरनली जो है क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इस सेक्शन में हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर, कि अगर आपका फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ मेटल इन एयर की बात करते हैं। बट एज सच जो मेरा टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर, कि अगर जो मेटल होती है वो एयर में क्या करती है, बर्न करती है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में आपका ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सारी गैसेस आपकी एयर में प्रेजेंट है। बट अगर हम बर्निंग की बात करते हैं तो ओनली ऑक्सीजन इज़ हेल्प इन कम्बशन। बर्निंग में जो आपका कम्बशन का प्रोसेस होगा, कम्बशन के प्रोसेस में सिर्फ आपको ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जो है कम्बशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हेयर अगर जो आपका मेटल होगा, वर्ड इक्वेशन लिखूंगी, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एयर को, तो वो क्या बनाएगा, दैट इज़ द मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकन कॉपर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म CuO। बट दिस रिएक्शन इज नॉट वैलेंस। टू वैलेंस द रिएक्शन वी एड टू हेयर एंड ऑल्सो Here. Now, this reaction is the valence chemical equation. यहाँ पे जो आपका ऑक्साइड बना, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये कॉपर का सेकेंड ऑक्साइड है और ये जो होता है ये एक ब्लैक कलर ऑक्साइड होता है। दिस इज द ब्लैक ऑक्साइड, ब्लैक कलर का एक ऑक्साइड होता है। इसी तरीके से अगर आप कॉपर के अलावा कोई और भी मेटल लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, एल्युमिनियम लिया, और एल्युमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अब आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकालना है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं कि हम इनकी वैलेंसीज को नीचे रखते हैं, जैसे कि ये 3 होती है इसकी, आनेस की 2 होती है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड द फॉर्मूला इज Al2O3। सो हेयर Al2O3, बट विच रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस। तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सिंपल मेथड है कि आपको यहाँ पे जो है वो 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है वो 3 लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, बट एल्युमिनियम इज़ हेयर 4 एंड हेयर 1, तो ऐड 4। तो इस तरह से जो एल्युमिनियम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड बताता है। आपने ऐसे पढ़ा हुआ है कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है किस तरह से जो कॉपर का ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉपर का जो ऑक्साइड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। यानी कि ये क्या बना, आपका सॉल्ट बना, और ये क्या बन गया, आपका वाटर बन गया। मीन्स कि अगर ये चीज़ आपका एसिड है, और सॉल्ट और वाटर किसका जो है आइडेंटिफिकेशन फीचर है, दैट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इट मींस जो यहाँ पे आपने मेटल का ऑक्साइड लिया वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन द नेचर होते हैं, या आपने पहले भी पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। व्हेन वी आर डूइंग सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो यू हैव डन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन द नेचर होते हैं, जैसे कि आप बात करो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, यानी कि आप कह सकते हो ऑक्साइड्स Which shows
बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यानी कि ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, एंटीन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, ये सारे आते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम टाइम आता है, व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल। तो आपने उसका आंसर लिखना है द मेटल ऑक्साइड या ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर इज नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड। टीन का सिंबल आपका SN होता है बेटा, ये आपका SN किसका सिंबल है, टीन का सिंबल है। और जो लेड का सिंबल होता है वो PB, एक्चुअल में ग्रीक लेटर से लिए गए हैं, तो वहाँ पे जो इनकी मीनिंग होती है ये स्टेनेक वाली होती है, प्लूम्बेट। तो आप इस चीज़ से इसका ध्यान रखेंगे, जैसे सोडियम वगैरह का भी वहाँ पे आप होता है। तो ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं तो क्या होगा कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर देंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करके भी क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एल्युमिनियम के ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई तो भी मुझे क्या मिलेगा, AlCl3+H2O। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने ये एसिड लिया हुआ है तो एम्फोटेरिक होने की वजह से जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है वो एक्ट करेगा एज ए बेस, और ये मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट, एंड हेयर वी हैव वाटर। And this is reaction is similar to the neutralization reaction. Neutralization reaction आपकी क्या होती है, जिसमें acid और base react करके आपस में क्या बनाते हैं, salt और water. Similarly, अगर हम चाहते हैं कि इसको दूसरा nature भी देखें acidic, तो आप यहाँ पर कोई क्या ले लो, base ले लो। जब आप यहाँ पर base लोगे तो आपका क्या बनेगा, sodium aluminate, sodium aluminate का formula this one, और आपका क्या बनेगा, ये water। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक एल्कली होता है, जिसको आप बेस भी बोल सकते हो, बिकॉज वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज द एल्कली। तो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, तो इसलिए आप इसको एल्कली भी बोल सकते हो और बेस भी बोल सकते हो। और ये आपका जो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज़ द सॉल्ट एंड दिस वन इज़ द वाटर। तो इट मीन्स कि जो आपका ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये बिहेव कर रहा है एज ए एसिड, और यहाँ भी आपकी क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल्दो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, आप इस रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ वैसे इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है, तो आप इसको यहाँ पे 3 ऐड करो। वेन एवर यू एडेड 3 हेयर हाइड्रोजन बिकम 6, सो एड 6 हेयर। नाउ योर रिएक्शन इज द वैलेंस, नाउ दिस वन इज द वैलेंस, बट ओके 2 ऐड कर दो आफ्टर दैट। ये भी रिएक्शन अभी आपको वैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ आपका है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और अगर यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, वैलेंस हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट इस एग्जाम्पल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैंने आपको बताया कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड। लेकिन उसमें से क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्युबल। यानी कि अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्टली मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर द इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोल्युबल का मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ये अगर हम सारों की बात नहीं करते हैं बट मोस्ट ऑफ की बात करते हैं, कि मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, यानी कि आप सम मेटल ऑक्साइड ले लो, कि कुछ आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं जो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। जो आपका वाटर होता है उसमें क्या कर जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो डिसॉल्व होके क्या बनाते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जिसको आप एल्कलीस बोलते हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज ऑक्सीजन का ऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन के ऑक्साइड का फॉर्मूला ये चीज़ है, और अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या बना देगा, NaOH। एक्स फॉर्म में लोगे, रिएक्शन आपकी जो है बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाओगे, ये आपका क्या बन गया, एल्कली। बेटा एल्कली में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द एल्कली। तो एल्कली में आपने लिखना है वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज एल्कली। यानी कि आपके जो बेसेस होते हैं उनमें से वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन यूज़ करूँगी,
ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कली हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, सभी बेस आपके एल्कली नहीं हैं, केवल वही बेस आपके एल्कली हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जब कोई भी आपका मेटल का ऑक्साइड, वैसे तो मोस्ट ऑफ जो मेटल के ऑक्साइड हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होते हैं वो मेटल का हाइड्रोक्साइड मानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। सिमिलरली जो पोटेशियम का ऑक्साइड है वो भी वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। बेटा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में वर्ड यूज़ करा है, वैसे तो हर एक रिएक्शन के साथ यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पे भी आएगा एस, यहाँ पे एल आएगा और वहाँ पे एक्वस। एस का मतलब ये चीज़ हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, एल का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे एक्यो का मतलब होता है एक्वस, यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस का मतलब होता है। द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन वाटर इज नोन एज इट्स एक्वस सोल्यूशन, कि किसी भी सब्सटेंस का जो वाटर में सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो ये जो हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो क्या जो आप एक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे, कि जो सभी की सभी जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन से सेम रेट से रिएक्ट करती हैं, कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या जो एवरी मेटल्स है जिसे आप हर एक मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करा रहे हो, तो क्या जो होता है सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ ये इसी तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो उसमें आपका एग्जाम्पल आता है कि लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम होगा, ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, और ऑक्सीजन के साथ जो इनकी जो है रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा विग्रस होती है। बहुत ज़्यादा विग्रस होने का मतलब क्या है, कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होती है। वॉयलेंट रिएक्शन का मतलब है कि अगर आपका जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या होता है अगर सोडियम पोटेशियम या लिथियम आपका डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो इट कैचेस फायर, ये आपका क्या पकड़ लेता है, फायर कैच करता है। इस वजह से जो कोई भी एक्सीडेंटल फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सोडियम को, पोटेशियम को जो है वो केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। मतलब कि जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है उसमें जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, वो जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो क्या करेंगे, फायर कैच करेंगे। तो इस वजह से कोई भी लैब एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस चीज़ को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इनको जो है केरोसिन ऑयल के अंदर में जो है वो डिप करके रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इनको छोड़ दें, हम दूसरी मेटल्स की बात करें, दूसरी मेटल लाइक एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, लेड हो गया, ये अगर हम जैसे आपका जो रूम टेम्परेचर है जिसको आप कहते हो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो 25 सेल्सियस के डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर ये जो मेटल होती हैं ये क्या करती हैं, जो आपका एटमोसफियर वाला ऑक्सीजन है उस एटमोसफेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस पे मेटल ऑक्साइड की एक थिन लेयर बनाती हैं। मेटल ऑक्साइड की क्या बना लेती हैं, थिन लेयर। अब हम बात करते हैं जो एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम की वायर्स आप यूज़ करते हो, जो आपकी मेन जो है इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जाती हैं वो एल्युमिनियम की होती हैं। तो अभी आपने लास्ट लेक्चर में कोरोजन भी पढ़ा हुआ है, तो कोरोजन से क्या होता है कि मेटल बिल्कुल ख़राब हो जाता है, लेकिन जो एल्युमिनियम है वो भी मेटल है, वो भी एयर के साथ रिएक्ट करता है, बट वो जनरली ख़राब नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि जो आपका एल्युमिनियम हो गया, जब भी वो एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो अपने ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। जब वो थिन प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है तो एक्चुअल में कोरोजन में क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर एक पतली सी लेयर ऊपर बन जाती है तो वो क्या होता है, फिर वो फर्दर जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, और जो मेटल होती है वो आपकी क्या रहती है, प्रोटेक्टेड फॉर्म में वहाँ पे रहती है। उसके अलावा जो आपके आयरन होते हैं वो हीट करने पे बर्न नहीं करते हैं, लेकिन आयरन फिलिंग्स जो हैं वो ज़रूर बर्न करती हैं, मतलब स्प्रिंकल्स होते हैं उसमें। कॉपर भी नहीं बर्न करता जो है हीट में, अगर उसको बर्न को, जो आपके घरों में कुछ यूटेंसिल होते होंगे, बर्तन होते होंगे, उनके ऊपर आप क्या देखते होंगे कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती होगी, वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो एक्चुअल में कॉपर के ऑक्साइड की होती है। तो इस वजह से वो, क्योंकि वो हीट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिल्वर और गोल्ड भी आपके जो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज आप ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हो, ज्वेलरीज़ यूज़ करते हो सिल्वर और गोल्ड की, आप नंबर ऑफ एयर्स उसको पहन के रखते हो, बट वो ख़राब नहीं होती, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द एयर एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं।
तो जो आपकी जो ये एल्युमिनियम है जब एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली लेयर बनाती है और अपनी प्रोटेक्शन करती है। इस चीज़ को हम और ज़्यादा जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो एल्युमिनियम के आर्टिकल हैं उनको कोरोजन से बचाने के लिए अगर हम उस एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको थोड़ी थिक कर दें, थिक का मतलब थोड़ा मोटा कर दें, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और जो ये प्रोसेस होती है जिससे हम किसी भी एल्युमिनियम के आर्टिकल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो है वो मोटी परत चढ़ाते हैं, डैट इज़ नोन एज द एनोडाइजिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है? फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ, थिक का मतलब क्या होता है? मोटा। फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम कोरोजन, उनको कोरोजन से या ख़राब होने से बचाने के लिए, या आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके एल्युमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो है मोटी लेयर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या है? सोडियम है, जो कि फायर कैच कर लेती है जैसे एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में आती है। लेकिन वही जो दूसरी मेटल्स हैं वो इस तरीके से नहीं करती हैं। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के विहाप पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज विच कैन शोन बाय द मेटल्स इन डिफरेंट मैनर। तो जो हमने फर्स्ट किया था वो हमने फर्स्ट ये किया था कि किस तरह से जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। मैंने आपको ऑक्साइड का नेचर्स भी बताया है और उनकी रिएक्टिविटीज़ को यहाँ पे शो किया है। सेकंड करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, आवर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। व्हाट हैपन When metal react with water, कि जो कोई भी metal है जब water के साथ react करता है तो वो क्या बनाता है? तो इसकी एक simple word equation है कि जो आपका metal होगा जब वो water के साथ react करेगा तो बनाता है आपका metal oxide plus hydrogen gas। और क्योंकि अभी आपका जो metal का oxide होता है वो water में ही present होता है, तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो अगेन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर एक रिएक्शन से लूँ तो सपोज़ करो मेरे पास क्या है? सोडियम है। सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा? सोडियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे। एंड नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो सोडियम का ऑक्साइड होगा वो वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपका बना देगा और साथ में जो होगा वो हाइड्रोजन जो है वो बाहर जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप निकालोगे तो वहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपका जो बचता है वो क्या बनता है? सोडियम टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी निकल जाती है। तो इस वजह से कि जो भी आपका जो मेटल होता है वो अगर आप इन शॉर्ट बोलो तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल का जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो आपकी मेटल्स हैं जैसे कि आपका क्या हो गया? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या करते हैं? वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वोलेंट्री रिएक्ट करते हैं। वोलेंट्री का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं कि अगर आप सोडियम को वाटर में पुट करो तो वो फायर कैच कर लेती है, आग कैच, मतलब आग लग जाती है उसमें। जो आपके मैजिशियंस आते हैं वो कई बार आपको दिखाते हैं कि देखो पानी में आग लग गई, तो वो किस तरीके से करते हैं बेटा? उसमें कुछ नहीं है, देयर इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड देम। उसमें वो क्या करते हैं कि सोडियम लिया, सोडियम को क्या कर दिया? वाटर में डाला। जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया और अगर मैं सोडियम को क्या करूँगी? वाटर में डालूँगी। सोडियम मेटल को मैंने क्या किया? वाटर में डाला। जैसे ही मैंने सोडियम मेटल को वाटर में डाला मेरे पास क्या बन गया? सोडियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना और साथ में आपकी क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक।
व्हाट आई मीन बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिलीज हीट, कि ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जब आपका जो सोडियम होता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, एंड रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत सारी हीट वहाँ पे बाहर निकलती है। नाउ लिसन केयरफुली, हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत अच्छा फ्यूल है, हाइड्रोजन इज़ ए गुड फ्यूल। आज के टाइम में अगर हम किसी गुड और सेफ फ्यूल की बात करते हैं दैट इज़ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हाइड्रोजन का कम अमाउंट आप जलाते हो तो उससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बट हाइड्रोजन इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिकॉज वी हैव नो अ चीप मेथड टू प्रिपेयर द हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। तो जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम जो है वो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल होता है और यहाँ से हीट निकलती है। किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए जिसको हम उसका क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इग्नाइट करना है तो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आपको आई थिंक 7 क्लास में पढ़ाया जाता है, तो होप सो आप सभी को पता होगा कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। अब आप कहोगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम उसको हीट सप्लाई करते हैं वो जल जाता है, बट अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने कई बार सुना होगा फॉरेस्ट फायर के बारे में, ओके आप वहाँ पे कहते हो कि गर्मी थी और जंगल में आग खुद ब खुद लग गई, तो हाउ कैन दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। यस ऑफकोर्स इट इज़ पॉसिबल, हाउ, बिकॉज बेटा क्या होता है कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट के डेड रिमेन्स होते हैं, लाइक जो आपकी लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स हो गई, ड्राई वुड्स वगैरह पड़ी होती हैं, छोटे छोटे लकड़ियाँ वहाँ पे बहुत सारी गिरी हुई होती हैं। तो जब क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब जिस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जो वो टेम्परेचर होता है वो जो आपके वहाँ पे मटेरियल्स डले हुए हैं उनके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप जो है वो फायर कैच कर लेता है। सिमिलरली जब आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन की इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो फायर कैच कर लेता है, यानी कि बर्निंग जो होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो इस रिएक्शन से हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, दैट पर्टिकुलर हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल, एंड दैट्स वाई सोडियम कैच फायर व्हेन इट डिप्ड इन द वाटर। सिमिलरली इसी तरीके से आपका जो होता है सोडियम भी रिएक्ट करता है, बहुत वोलेंटली तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम सोडियम पोटेशियम को छोड़कर दूसरी मेटल्स की बात करें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैल्शियम मेटल की, तो कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है बट वो लेस वोलेंट रिएक्ट करता है, इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे आपका कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, बट यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है वो हाइड्रोजन के इग्निशन टेम्परेचर से जो है वो कम होती है, और इस वजह से जो है यहाँ पे फायर कैच नहीं करता। लेकिन आप क्या देखते हो कि अगर आपने चूने को भी पानी में डाला है तो जो कैल्शियम है स्टार्ट फ्लोट ऑन द सरफेस, वो जो आपका सरफेस होता है उस पर जो है क्या करना है, तैरने लगता है सरफेस पे। जो तैरने का मतलब है वो क्यों तैरता है ऐसे, बिकॉज़ क्या होता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या बना लेती है, बबल्स बना लेती है, ठीक है। और जो आपका मेटल होता है, जैसे बबल्स बना लिया तो उस बबल्स के सरफेस पे जो मेटल होता है कैल्शियम, वो स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से वो आपको सरफेस पे फ्लोट करता हुआ जो है वो नज़र आता है। फिर आपकी दूसरी मेटल्स की बात करेंगे, मैग्नीशियम हो गया, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे अगर मैंने अभी पीछे बात की थी कि आपके पास सोडियम की बात की थी, पोटेशियम की बात की थी, कैल्शियम की बात की थी, ये जो आपका है वो रिएक्ट कर जाते थे कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो आपका मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब जो आपका ठंडा पानी होता है उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कैसे करेगा, इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर। अगर आप कोई गर्म पानी लोगे तो वहाँ पे मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो मैग्नीशियम होता है सिमिलरली उसी मैनर से रिएक्ट करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ भी मैग्नीशियम जो है वो सल्फर पे फ्लोट करना स्टार्ट करेगा बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल। ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कॉमनली इसको आप क्या बोलते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मैंने आपको शायद लास्ट चैप्टर में भी करा रखा है। तो व्हाट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ ए माइल्ड एंटासिड।
मतलब कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए अगर स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड होगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इनो या ऐसा कोई भी आप सॉल्ट लेते हो तो वहाँ पे ये क्या होता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और आपको बर्निंग से जो है रिलीफ देता है। तो ये मार्केट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट इज़ अ बेस एंड इट न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक एंड गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। तो इस वजह से कुछ आपकी मेटल्स होती हैं ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है ना ही हॉट वाटर से, तो वो आपकी कौन सी हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, डू नॉट, ये जो आपके मेटल्स होती हैं ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं ना ही किससे रिएक्ट करती हैं, हॉट वाटर से। तो क्या कंक्लूजन ये निकले गए कि ये मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती? नहीं, ये करती हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ करती हैं। स्टीम का मतलब जब आपके जो स्टीम का मतलब वाटर को जब हीट करोगे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द स्टीम। तो जो आपकी मेटल्स हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, दे रिएक्ट विद द स्टीम एंड ये भी आपका क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगी, ये मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम मैंने सॉलिड स्टेट में लिया, उसको मैंने जो है ट्रीट किया वाटर से, वाटर लिक्विड फॉर्म में लिया, तो मेरे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आयरन भी ऐसे रिएक्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, सॉरी लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे अगर मैंने बोला हुआ है कि मैंने वाटर स्टीम फॉर्म में लेना है तो यहाँ पे जो है ये गैसियस फॉर्म में आएगा। ओके, ऐसे ही वाटर मैंने गैसियस स्टेट में लिया तो ये आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि कुछ मेटल्स होती हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, वो आपकी क्या है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हो गई। फिर जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आफ्टर डैट एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ऐसे मेटल्स हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना ही हॉट वाटर के साथ, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। ओके, अब फोर्थ कैटेगरी में आपको बताऊंगी कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। तो वो मेटल्स कौन सी होती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब वाटर के साथ ना रिएक्ट करने का मतलब है ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। तो वो आपकी हैं लेड, लेड नहीं रिएक्ट करता, कॉपर नहीं रिएक्ट करता, सिल्वर हो गया, गोल्ड एट्सेट्रा, ये जो मेटल्स हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। नहीं रिएक्ट करती मतलब ना तो ये लिक्विड मतलब कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ, और ना ही जो है ये जो आप स्टीम की बात करते हो, जो लास्ट वाला सेक्शन लिया, स्टीम के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट रिएक्टिविटी है, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एसिड। एज आई रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, आई थिंक वी हैव डन ऑलरेडी इन द चैप्टर नंबर 2। तो आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो आपने ध्यान रखा है कि जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैं जो एरो लगा रही हूँ इसका मतलब गैस होता है, आई थिंक मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है आपको पॉप साउंड से पता चलता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ कर रही है, इज़ एम एंड राइट, ये हमने पहले किया हुआ है। तो इट मीन्स हमें ये पता है कि जो भी मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपकी देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया और यहाँ पर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है, ये मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऊपर एरो का मतलब क्या हुआ, गैस, नीचे का मतलब प्रेसिपिटेशन होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही किया हुआ है। तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया। लेकिन क्या होता है कि जब भी आपकी जो मेटल है, मेटल जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है इट डज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है, वाई हाइड्रोजन गैस डू नॉट लिबरेट, लिबरेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, डू नॉट लिबरेट व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जो आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है वो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, जो मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। जब भी आप कोई भी मेटल लेते हो उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो और हाइड्रोजन गैस जैसे ही लिबरेट होती है तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? वाटर में। और ख़ुद से वो रिड्यूस हो जाता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। अब नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि N2O हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, मतलब किसी में। तो इसका आंसर क्या होगा कि मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कन्वर्ट द हाइड्रोजन, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन इनटू वाटर एंड गेट रिड्यूस इन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कि खुद तो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, लेकिन क्या करेगा, जो वहाँ पे वाटर होगा उस वाटर मतलब जो हाइड्रोजन होगा उसको वाटर में क्या कर देगा, ऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं कि जो आपका मैग्नीशियम है और जो मैंगनीज है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ से आपका एक और भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि विच मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव द हाइड्रोजन गैस। कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो दैट मेटल इज़ द मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और वो आपको जो है वहाँ से हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो यहाँ पे एसिड के साथ है। उसके बाद मैं यहाँ पे आप एक को छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड जो मैं आपको बताऊँगी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी से तो है ही। दैट इज़ द एक्वा रिजिया। व्हाट इज़ द एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया को हम जो है अगर हम लैटिन वर्ड की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉयल वाटर। एक्चुअल में बेटा एक्वा रिजिया प्रिपेयर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द 3:1। कि एक्वा रिजिया क्या है, 3:1 मिक्सचर है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मतलब कि अगर मैंने 3 ml जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, उसमें मैंने 1 ml क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड, और ये मैंने लेना है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। कंसनट्रेटेड का मतलब जैसा प्योर फॉर्म में आता है उस फॉर्म में अगर मैं इसको लूँगी तो मेरे पास जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन तैयार होता है डेट सॉल्यूशन इज नोन एज द एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया करता क्या है, तो एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड लाइक मेटल्स को भी क्या कर देता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव होता है, ये गोल्ड या प्लैटिनम कोई भी ऐसी आपकी मेटल हुई तो वो भी क्या होती हैं, एक्वा रिजिया के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। बट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस एक्वा रिजिया? वैसे तो लैब में बहुत सारे रिएक्शंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, एनालिसिस के लिए एक्वा रिजिया एक्ट एज द एनालिटिकल रिएजेंट। बट जो गोल्डस्मिथ होते हैं, गोल्डस्मिथ आप जिनको क्या बोलते हो, सुनार बोलते हो, तो जो गोल्डस्मिथ होते हैं बेटा वो गोल्डस्मिथ्स इस एक्वा रिजिया का यूज़ करते हैं गोल्ड को क्लीन करने के लिए। जैसे आप उनके पास कोई पुराना गोल्ड का आर्टिकल लेके गए तो उसने क्या किया, सॉरी गोल्ड का आर्टिकल लिया, उसको एक्वा रिजिया में डाल दिया, तो जो इसकी ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और आपका जो गोल्ड होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, न्यूली जो है वो शाइन करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो गोल्ड होता है वो कुछ उसके पास ही रह जाता है, तो इसमें आपका जो है वो लॉस है। बट फिर भी कुछ बेसिस पे इसको जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो ये नॉलेज आपको इसलिए भी दी गई है, दैट्स वाई कि आप अपने गोल्ड आर्टिकल्स को गोल्डस्मिथ से प्रोटेक्ट कैसे रखो। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ऐसा नहीं है कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी ही हैं, बहुत सारी हैं, बट आपके सिलेबस में अभी इतनी है बेटा। तो होप सो आप सभी को लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो फिर आप मेरे को किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।
तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और टेक दिस लेसन वेरी 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 सीरियस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोल दिया हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर हम कल करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, इससे आगे का जो कुछ भी है आपके पास. तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.